नमस्कार, मैं योगाचार्य अशोक। आज मैं आपके सामने फिर एक नए विषय को लेकर आया हूँ, जिसका तनाव से मुक्त रहने का बहुत अच्छा साधन बताया गया है, और ये है प्राणायाम। और इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का जो अर्थ होता है वो होता है भौंरा। और मैं इसके विषय में आपको बताऊँ कि भौंरा एक ऐसा पतंग है जो हमेशा तनाव मुक्त रहते हैं, और भौंरे से हमें ये सीखना चाहिए। देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो थे, हमारे महर्षि जो थे, वो हर चीज़ को रिसर्च किया करते थे और प्रकृति से, नेचर से कुछ ना कुछ वो लिया करते थे, और उसको प्रयोग कर कर, उसको रिसर्च कर कर फिर आम व्यवहार में, आम मनुष्य तक वो पहुंचाते थे। हम इसी से बात करेंगे। तो ऋषियों ने देखा कि भौंरे जो है वो हमेशा तनाव से मुक्त रहता है, और वो जब वाइब्रेशन करता है अपने पंखुड़े को, अपने आवाज़ से, तो बिल्कुल तनाव मुक्त रहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है वो। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जब भौंरा कमल के फूल में जब बैठता है वो, और बैठने के बाद में इतना वो मग्न हो जाता है, इतना तनाव से मुक्त हो जाता है, इतना रिलैक्स हो जाता है कि कब वो पंखुड़ी बंद हो जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। तो व्यक्ति जब इस प्राणायाम को करेगा तो वो भी इसी तरह से तनाव मुक्त हो, यानी हर प्रकार के तनाव। देखिए, आज के समय लगभग तनाव सभी को है। विद्यार्थी को पढ़ाई का तनाव है, एक यंग लोग को नौकरी का, जॉब का तनाव है, व्यापारी लोग हैं उनको व्यापार की चिंता रहती है, एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को उसका हर तरह का, तो हर कोई किसी न किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। परंतु यदि आप इस प्राणायाम को आप अपने जीवन में लाते हैं तो आप इन चीज़ से बच सकते हैं। तो आइए इसका विधि के विषय में बात करें, तो मैं आपको इसका विधि बताता हूँ कि आखिर भ्रामरी प्राणायाम को करते कैसे हैं। तो देखिए, इसको करने का जो विधि है वो है कि श्वास को अंदर भरना है, अंदर लेते हैं, और लेने समय क्या करना है, आपके जो कंठ कोप है इस जगह पर भौंरे की तरह आवाज़ करते हुए, वाइब्रेशन करते हुए और शब्द करते हुए आपको श्वास को पूरक करना, यानी श्वास को लेना, योग के भाषा में बोलते हैं इसे पूरक करना, और कुछ देर तक इसे रोकना है, होल्ड करना है, कुंभक करना है, और फिर उसके बाद भौंरे की तरह ही आवाज़ करते हुए श्वास को बाहर निकालें नाक से। एक बार आप देख लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपके देखिए ये साइड के जो है कान से ऊपर, इसको अंगूठे से आपको बंद करनी है, इस तरह बंद कर लिए। इसको बोलते हैं सन्मुखी मुद्रा। देखिए, हमने बंद कर लिया, और ये छोटी अंगुली है इसको रखेंगे आप अपने चिन के नीचे, और उसके बाद में जो रिंग फिंगर है इसको रखना है नाक के ऊपर थोड़ा सा, और इसके बाद मिडिल फिंगर को आँखों के ऊपर, और जो इंडेक्स फिंगर है जो पहली उंगली इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको तर्जनी उंगली को, आपको रखना है अपने फोरहेड पे, इसको बोलते हैं सन्मुखी मुद्रा। तो ये मुद्रा में आपको करना है ब्राह्मणी प्राणायाम, और इसमें जो जीभ की स्थिति, मुख की स्थिति होंगी, देखिए जीभ जो है उसको फोल्ड करके, और आपको अपने तालू के ऊपर लगाना है, यानी जो सॉफ्ट एरिया है जितना पीछे आप ले जा सकते हैं, देखिए जितना पीछे ले जा सकते हैं, जो सॉफ्ट एरिया यहाँ तक आपको तालू के ऊपर इस तरह से टच करना है जीभ से, और साइड के जो आपके दांत होंगे इसको आपको मिला के रखनी है। तो जब आप ये करेंगे, और इसके बाद में फिर नाक से श्वास लेना है और नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है, इन सारे प्रक्रिया को करते समय आपके मुख बंद रहेंगे। जब आप ब्राह्मणी प्राणायाम कर रहे होते हैं तो देखिए आपके मन में ईश्वरीय सत्ता को तन्मय होकर, तद्रूप होकर, और मन में दिव्य संकल्प लेकर भगवान की करुणा, शांति और आनंद आपके ऊपर बरस रहे हैं, और ऐसे ही अपने आज्ञा चक्र में ईश्वर को ध्यान करते हुए और पूरे भाव के साथ में आपको इस प्राणायाम को करनी है, ब्राह्मी प्राणायाम। एक बार देखेंगे कैसे कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप। जैसे पहले श्वास भरेंगे आप नाक से, you
भ्रामरी प्राणायाम को इस तरह से करना है, यदि जो नए हैं तो वो बिना कान को बंद किए भी कर सकते हैं, केवल जीभ को ऊपर तालू में लगा के भी, और अभ्यास आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद जब अभ्यास आपका बहुत अच्छा हो जाए तो आपको ये करना है। देखिए अब बात करें कि इसको हमको करना कितना देर है, कम से कम यदि किए तो 5 बार तो अवश्य करना है। यदि जिसको रोग है, तनाव है, डिप्रेशन है, अभी मैं बताऊंगा कि किस किस रोग में ये लाभ करता है, उनको कम से कम 11 बार करना चाहिए और इसे 21 बार भी कर सकते हैं। तो ये आप इसको कम से कम 5 मिनट लगातार भी कर सकते हैं, परंतु किस करना किसको नहीं है मैं पहले आपको सावधानी बता देता हूँ कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए, उसके बाद इसके लाभ के विषय में बात करूँगा। तो जिन लोगों को बीपी हमेशा लो रहता है उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को नाक और कान में किसी प्रकार का संक्रमण हो, कान उनका बहुत ज़्यादा बहता हो, तो उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखें। आप सावधानी भी बहुत जरूरी है किसी भी प्राणायाम में आज के समय में। और यदि हम इसका लाभ के विषय में बात करें कि इस प्राणायाम को करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो जब आप यहाँ से वाइब्रेशन करते हैं आप, तो आपके जो स्वर यंत्र हैं, जो आवाज़ है, वो आपके ठीक रहते हैं और आवाज़ में आपके मधुरता आते हैं। किसी भी प्रकार का तनाव हो, चिंता हो, क्रोध हो, आते उन सब से ये आपको मुक्ति दिलाता है। जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है हमेशा किसी चीज़ को लेकर, उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। देखिए इंसोम्निया, जिसको कई बार नींद नहीं आती है, तो जिन व्यक्ति को नींद की समस्या है, कारण कुछ भी हो सकता है, कई उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। और इस प्राणायाम को आप सोते समय भी कर सकते हैं, यदि आपको नींद नहीं आती है या आपकी नींद बहुत जल्दी टूटती है, तो ऐसी अवस्था में आप शाम को जब रात को सोते हैं तो सोने से पहले कम से कम 5 बार 10 बार इस प्राणायाम को कर लें और सोएंगे तो बहुत अच्छी आपको नींद आएगी। यदि इसको हम बात करें कि मानसिक रोगों में किस तरह से लाभदायक है, तो देखिए जिसको माइग्रेन रहता है, माइग्रेन का अटैक बार बार आता है, ये माइग्रेन उसको पार्किंसन के डिजीज़ को, यानी जिनके मानसिक उत्तेजना हमेशा बनी रहती है, उनको शांत करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभदायक है। जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है और बीपी हमेशा उनका बढ़ता ही रहता है, तो क्योंकि कई बार तनाव के कारण भी ये स्थिति आ जाती है, तो उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। और जिनको हृदय रोग है, हार्ट की समस्या है, उनको ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स देता है ये प्राणायाम। मन को, चित्त को ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करने वाला और बहुत ही आनंद देने वाला ये प्राणायाम है। मन को आपका बहुत एकाग्र करता है ये प्राणायाम, बिल्कुल आपको रिलैक्स कर देगा ये प्राणायाम। यदि आप किसी तरह का कोई तनाव हो रहा है या आपके चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आदि बहुत ज़्यादा आता है, तो आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जितना सुख और आनंद इस प्राणायाम से मिल सकता है एक अभ्यासियों के एक साधक को, उतना किसी और प्राणायाम से नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये प्राणायाम ध्यान के प्रारंभिक अवस्था के लिए बहुत ही उत्तम बताया गया है। यदि हम बात करें इसके आध्यात्मिक लाभ के विषय में, तो आध्यात्मिक लाभ क्या है कि जब व्यक्ति इसको अभ्यास बहुत अधिक करता है तो क्या होता है, जब मन शांत होता है। मन शांत क्या होता है, क्योंकि ये प्राणायाम जो है हमारे प्रत्याहार, क्योंकि यम नियम में जो आप पढ़ते हैं अष्टांग योग में, तो प्रत्याहार एक आता है। प्रत्याहार का मतलब होता है अपने इंद्रियों पर संयम करना। तो जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपका क्या होता है, मन शांत हो जाता है, इंद्रियों पर आप अपने अधिकार कर लेते हैं, यानी प्रत्याहार का अनुसरण करते हैं। तो व्यक्ति का जब प्रत्याहार का अनुसरण करते हैं तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत अच्छी होती है। तो इस प्राणायाम को करके आप आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं, तो इसीलिए इस प्राणायाम को आप अवश्य करें और किसी के देख रेख में करें। स्टार्टिंग में जब सीखना हो तो किसी अच्छे अनुभवी योग टीचर के देख रेख में करें, और जब अभ्यास हो जाए तो इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं, एकांत किसी जगह में बैठकर और इसका अभ्यास करें और आप इसका लाभ लें। किसी भी प्रकार का तनाव हो, नेक से ऊपर के हर प्रकार के रोगों के लिए ये प्राणायाम लाभदायक है। कुछ सावधानी है जो मैंने आपको बताया, इसका ध्यान रखेंगे और ये इस तरह का जानकारी आपको मिलते रहेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम इसको आप करें, इसका लाभ लें। मैं योगाचार्य अशोक आपसे इजाज़त लेता हूँ। इसी तरह नए नए योग संबंधी जानकारी, नेचुरोपैथी संबंधी जानकारी लेकर मैं अपने चैनल पर आता रहूँगा। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं,
और इस तरह से योग का लाभ लेना चाहते हैं आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और इससे संबंधित यदि किसी तरह का कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हम उस पर और भी काम कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओ नमस्ते।